शर्त किसकी है कि तुम्हारी शादी मेरी शादी के बाद होगी? तुम्हारी या बेटा, शर्त नहीं है तो समाज को देखते हुए मैं ऐसा करना पड़ रहा है। किस समाज की बात कर रहे हो आप मामा जी? मैं तो भाई होने का कोई फर्ज निभा नहीं पाया, लेकिन तुमने बहन होने का फर्ज निभाया। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैंने जो कुछ भी किया एक बहन के फर्ज के खातिर किया। और अगर जिंदगी में कभी मौका मिला तो अपने भाई होने का फर्ज मैं जरूर निभाऊंगा। ठीक है निकित, तो तुम इतना जरूर करना कि रक्षाबंधन वाले दिन हमसे राखी बंधवाने यहाँ जरूर आ जाना। मुझे ऐसा लगेगा कि हमारी जिंदगी में जो भाई की कमी थी वो भगवान ने पूरी कर दी। मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, राखी बनवाने के लिए जरूर हूँ। खैर, कामया, एक और बात करनी थी तुमसे जायदाद के बारे में। विकास बंटवारा चाहता है और पापा की वसीयत के मुताबिक इस जायदाद के दो नहीं चार हिस्से होने चाहिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों को अपना अपना हिस्सा मिल जाए। क्या अनिकेत, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो जायदाद पाने के लिए किया? नहीं अनिकेत, मुझे या श्वेता दीदी को तुम्हारी जायदाद नहीं चाहिए। बल्कि इस जायदाद के मालिक तुम और विकास हैं। और अगर तुम चाहते हो तो मैं और दीदी तुम्हें ये बात लिखकर भी दे सकती हैं। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम और विकास उस जायदाद और बिजनेस के टुकड़े नहीं करोगे। उस जायदाद का बंटवारा नहीं होगा निकेत, प्रॉमिस मी। इस जायदाद पर मेरी अकेले की नजर थी, उसका बंटवारा चार हिस्सों में होने वाला है। फिलहाल बंटवारा तो मैंने रुकवा दिया है, लेकिन कब तक? मेरा हर मकसद नाकाम हो रहा है। क्यों हो रहा है मेरे साथ? सही कह रहे हैं जी आप, जब से कामया हमारे सामने आई है ना, तब से हमारा हर काम बिगड़ना शुरू हो गया। हम करते कुछ है, होता कुछ है। कभी घर के मामलों में दखल देती है तो कभी बाहर पुलिस का सहारा लेती है वो। ठीक कहते तुम, ठीक कहते। कामया की वजह से ही ना अनिकेत को नई जिंदगी मिली। अगर वो ना होती तो आज अनिकेत जिंदा नहीं होता। और वो विलास, विलास जो मेरा आदमी है, अनिकेत को हॉस्पिटल पहुंचाने वाला और कोई नहीं, उसी की सगी बहन थी। नहीं आप, समझ में नहीं आता कि ये क्या खेल खेल रहा है। आखिर वो चाहता क्या है? ऊपर से विकास की शादी सर पर, हम एक एक करके सबसे छुटकारा पाना चाहते थे। अब मुझे लगता है कि घर का परिवार बढ़ने वाला है।
मुझे भी ना जी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि अनिकेत ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है कि उसकी शादी हो या ना हो लेकिन विकास की शादी नहीं रुकेगी। अरे अनिकेत ने बाकायदा विकास को समझाया है कि उसे उसकी शादी का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी शादी कर लेनी चाहिए। मेरे सामने अनिकेत जब विकास को सब कुछ समझा रहा था ना एक एक शब्द मेरे मंसूबों पर बिजली बनकर गिर रहा था। कुछ भी नहीं लेकिन हमें विकास की शादी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। और दूसरी तरफ हमें काम्या पर भी नजर रखनी होगी कि कहीं वो इन दोनों भाइयों को मिलाने की कोशिश ही शुरू ना कर दे। कुल की ज्योति कन्या हमें इस बात की फिक्र है अनिकेत कि अब तक ये पता नहीं लग सका कि तुम पर गोली चलाने वाला आखिर था कौन। और जब तक इस बात का पता नहीं लग जाता तुम्हें हर वक्त पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। आज तक हमारे घर में जितने भी हादसे हुए हैं उनका खुलासा तो हो नहीं पाया। अब देखो ना अर्चना की मौत अभी तक एक राज बनी। अर्चना की मौत से पर्दा उठ सकता है अगर कुमुद मामी से पूछताछ की जाए। हाँ निकेत उस वक्त तुम हमें अपना दुश्मन समझते थे इसलिए तुमने श्वेता दीदी की हर बात को झूठा समझा और उस बात को रफा दफा कर दिया। हाँ अनिकेत सच यही है मैंने खुद कुमुद मामी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था। कह रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि अर्चना की हत्या हुई है। सब यही सोच रहे हैं कि अर्चना ने खुदकुशी की है। अनिकेत कल तक तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं था लेकिन आज मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि श्वेता दीदी की वो बात बिल्कुल सही है। उस वक्त इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ने नहीं दिया लेकिन अगर उस वक्त तुम इस बात को मान लेते तो हमें पता चल चुका होता कि आखिरकार अर्चना की मौत के पीछे किसका हाथ है। इसका मतलब है कि अर्चना की मौत की सच्चाई कुमुद मामी जानती है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें छुप कर कुमुद मामी पर नजर रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दुश्मनों को बाहर ढूंढते हैं और हमारे दुश्मन हमारे बेहद करीब होते हैं। ठीक है काम्या अब मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगा। मुझे भी लगता है कि कहीं हमने अपनी आस्तीन में सांप तो नहीं पाला हुआ। मेरी बात तो आप मानोगे नहीं लेकिन फिर भी मेरे जो दिल में ना जीजी वो बात मैं कहकर ही। अब जीजा जी क्या गए आपने अपने दुश्मनों को दोस्त बना लिया। ऐसा कहीं होता है जीजी जिनकी वजह से जीजा जी घर छोड़कर गए। वही लोग आपके दिल के करीब हैं। तुम किसकी बात कर रही हो कुमार। किसकी क्या जीजी आप भी समझ रही है मैं काम्या और उसकी माँ की बात कर रही हूँ।
इतनी बड़ी बात भी घर में नहीं हो गई थी कि जीजा जी घर छोड़कर चले जाते। वो तो बस शर्मिंदा थे कि काम्या और उसकी माँ क्या कहेंगी कि उनका बेटा उनकी ही बात नहीं मानना। सही मायने में ना जीजी, जीजा जी को घर काम्या और उसकी माँ की वजह से छोड़ना, और आप उन्हीं को गले लगा रहे। देखो कुमार, कोई किसी की वजह से शर्मिंदा नहीं होता, और अनिकेत के पापा उनकी वजह से शर्मिंदा होकर नहीं गए। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। सावित्री के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार वो थे, और एक मैं भी जिम्मेदार थी। उन्हें गले लगाकर मैं उनकी और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कमाल है जीजी, कमाल। सौतन तो किसी को ना फूटी आंखें सुहाती, और आप अपने दिल में हमदर्दी का गुबार लिए बैठी हैं। हेलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी हो शिवानी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एक्चुअली पापा, आप लोगों के बारे में ही बात कर रहे थे कि आप लोगों का फोन ही नहीं आया। कुछ घरेलू उलझने हैं बेटा। जब से वसीयत की बात होती है, बंटवारे की बात चल रही है। कुल की ज्योति कन्या। कुल की वजह से फोन नहीं कर पाई। तुम्हारे पापा से कहना कि मैं उन्हें जल्दी फोन करूंगी। ठीक है आंटी, मैं पापा से बात करूंगी। अच्छा आंटी, विकास कहाँ पर है? एक्चुअली मैं उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, बट उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। मैंने कहा ना, सब उन्हीं बातों को लेकर उलझनों में है, लेकिन जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें जल्द ही इस घर में बहू बनाकर लाना चाहती हूँ, और जल्दी मुहूर्त भी निकलवा लूंगी। बस एक बात, इस शादी में तुम्हें अपनी ख्वाहिशों से समझौता करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ बेटा, शादी को लेकर लड़की के ढेर सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन नहीं आंटी, मैं आपके घर की बहू बनने वाली हूँ, और इससे बड़ा ख्वाब तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता। और वैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। मुझे मालूम है तुम समझदार। मैं जल्दी तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी कि मुहूर्त कब का निकला है। अब फोन रखती हूँ। ठीक है आंटी, नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो। तक हाय हेलो करने वाली लड़की आज नमस्ते कहना सीख गई है। शादी की बात शुरू होते ही घर गृहस्थी की बातें भी समझ में आने लग गई। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? ठीक कह रही हूँ विलास, मैंने जब से काम्या को देखा है ना, तब से दिमाग में बस एक ही ख्याल बार बार आता रहता है, कब मैं काम्या को इस घर की बहू बनाकर ला पाऊंगी। जहाँ तक मैं काम्या को जानती हूँ, वो अपना सारा बिजनेस संभालती है, क्या वो हमारे घर की बहू बनना चाहेगी? इसमें हर्जी क्या है? सारा बिजनेस संभालती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी नहीं करेगी। And I'm sure, उसकी माँ की आंखों में भी काम्या की शादी के लिए हजारों सपने होंगे। बात करने में हर्जी क्या है? हाँ, आप ठीक करें दीदी। बात करने में हर्जी क्या है? बाकी अगर ये शादी तय हो जाती है तो अभिनव को काम्या से अच्छी लड़की मिलना मुश्किल है। मामा जी सही कह रहे हैं। माँ, भैया ने भी MBA किया हुआ है,
दोनों बिजनेस में रुचि भी रखते हैं। हाँ, अभिनव कामिया के बिजनेस में हाथ बटा सकता है। तुम यहां खड़ी खड़ी क्या सुन रहे हो? यहाँ पे शुभ शगुन की बातें चल रही हैं, शादी ब्याह की बातें चल रही हैं। तुम्हारा सुनना जरूरी नहीं है। हाँ माँ, मुझे भी भाभी की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जहाँ भी कोई काम की बात हो रही होगी, आके खड़ी हो जाएंगी और सुनने लग जाएंगी। तुम अब तक खड़े? घर में इतना सारा काम पड़ा है, पूरा दिन टाइम पास करती रहती हो ना? जाओ अंदर। जानक जी, इसकी वजह से अपना मूड मत खराब करो। मेरे बेटे को तो खा गए, पता नहीं कब तक ये मनुष्य हमारे सर पर बैठी रहेगी। विकास, कहाँ गए थे तुम? दरअसल शिवानी का फोन आया था, वो कह रही थी तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। वो जानना चाह रहे थे कि हमने शादी का मुहूर्त निकलवाया या नहीं। लो जी, अब वो तो लड़की वाले हैं, वो तो जल्दबाजी करेंगे ही ना, लेकिन हमारा तो बेटा है ना, हमारा बच्चा है, अब हमें इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना जी। कम से कम वो लड़की को समझ तो लेना, फिर शादी का मुहूर्त भी निकलवा दीजिएगा। मॉम, मुहूर्त जिस दिन का भी निकलवाना निकलवा लीजिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जायदाद का जो मसला है ना, इसे खत्म किया जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि शिवानी के आने के बाद इस घर में जायदाद का मसला खड़ा हो। मेरे ख्याल से जायदाद का कोई मसला रह नहीं गया। कुल की ज्योति कन्या। मैं आज कामिया से मिलने गया था, मैंने सोचा इस बारे में खुद ही उससे बात करूं। तुम कामिया से मिलने गए? हाँ। अच्छा है ना मॉम? इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है। जब डैड ने वसीयत करी दी है तो सबको उनका हक देकर इस मामले को खत्म ही कर देते ना। उसे कुछ भी नहीं देना विकास, यहां जो कुछ भी है सब हमारा है। कामिया ने कहा है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो इस जायदाद में से कोई हिस्सा लेना नहीं चाहती। क्या? हाँ, वो बकायदा कोर्ट में जाकर यह स्टेटमेंट देने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त, वो नहीं चाहती कि इस जायदाद का बंटवारा। देखा कितना शातिर दिमाग है उस लड़की का। मुझे तो लगता है कि फिर से तुम्हें वो कोई झांसा दे रही है। पहले भी वो बहुत कुछ ऐसा कर चुकी है अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो तुम्हें? क्यों हर वक्त तुम काम्या और उसकी माँ को गलत साबित करने की कोशिश करती रहती हो? तुम्हें मालूम है ना, अनिकेत की जिंदगी बचाने के लिए काम्या ने अपना खून दिया। इसी झांसे में तो आ गए ना आप लोग। हमें उसे सावधान रहना चाहिए। जीजी, आप जरा अच्छे से सोच कर देखो ना कि अगर उसने अनिकेत को खून नहीं दिया होता और अनिकेत को कुछ हो जाता तो फंस जाती ना। उसे अपने आप का बचाव करने के लिए अनिकेत को खून दिया ही आप लोग क्यों नहीं समझते? ये तुम क्या अनाप शनाप बक रहे हो?
अनाप शनाप नहीं बक रही हूँ जीजी। मुझे मालूम कि आप मुझे गलत ही समझेंगे, लेकिन जीजी एक बार सोचिएगा जरूर कि उसने एक बार अनिकेत की जान बचाकर अपने लिए बचने की राह बना दी। भगवान ना करे अनिकेत के साथ फिर से अगर ऐसा कोई हादसा हो गया, वो तो बच निकलेगी ना, उसमें तो कोई शक ही नहीं करेगा। ये शातिर दिमाग की है वो लड़की, बड़ी शातिर। आप लोग उसे समझे या ना समझे, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। मॉम, वैसे मामी की बात सोचने वाली तो है। फहमी में जी रही थी मैं, दिल ही दिल में प्रतीक को चाहती थी, पर मुझे इस बात का शक तक नहीं हुआ कि प्रतीक और काम्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। सोच तक नहीं सकी और प्रतीक का ख्वाब देखती रही। प्रतीक मेरा होगा, प्रतीक मेरा जीवन साथी बनेगा। अच्छा हुआ कि मैंने काम्या को ये बात बताई नहीं कि मैं प्रतीक से प्यार करती हूँ। क्या होता अब इस राज को मुझे अपने दिल में दफन कर देना है। अब ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जान सकेगा कि मेरे दिल में कोई और नहीं, प्रतीक था। प्रतीक से प्यार करती थी, मुझे इस बात को बुलाकर अपने ख्वाबों से समझौता करना ही होगा, करना ही होगा। हाय दीदी, क्या कर रही थी आप? अरे कुछ नहीं, काम में बस कमरा ठीक कर रही थी। और तुम कब आई? बस अभी आई। क्या बात, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? अरे कुछ नहीं, वो क्लासेस से आ रही थी, अचानक से मेरे दोनों ही आंखों में कुछ पड़ गया और लाल हो गई। लाइए मैं देखती। अरे ठीक है काम्या, आप ठीक है, डोंट वरी। अच्छा नहीं, ठीक। मुझे आपसे खास बात करनी है और आज आपको मुझे बताना ही होगा। पर क्या काम्या? मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है जिसे आप चाहती हैं, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है वो? अरे खुद भी तो सोचो, अगर मेरी किसी के साथ दोस्ती होती तो कभी तो उससे मिलने आता, मैं कभी तो उससे फोन पे बात कर रही होती ना। तुमने ऐसे कभी देखा है मुझे? मिस्टर अनिकेत का तो कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं है जो उन्हें मारने की कोशिश करे। और यहीं आकर हमारी छानबीन को विराम लग जाता है।